नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं नोसोर्ट्स के बारे में। ये ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जो काफी जटिल केसेस के अंदर आजकल यूज हो रहे हैं। ट्रेंडिंग एक्चुअली ड्रग्स ऑफ चॉइस है, क्योंकि ICU से लेके क्रॉनिक बीमारियों के लिए ये ही दवा चल रही है। अनेक टाइप के नोसोर्ट्स हैं, जैसे हाइड्रोफोबिनम या लाइसिन है, या सोराइनम है, बैसिलिनम है, ट्यूबोक्लिनम, कार्सिनोसिन, मेडोरिनम, बहुत सारे 30 प्रकार के अलग अलग टाइप के नोसोर्ट्स हैं। नोसोर्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है, कोई भी लंबा केस चल रहा है, 2 साल 5 साल 15 साल 20 साल से सब मेरे को शुगर है, और आप एक होम्योपैथ के पास जाते हैं तो होम्योपैथ लंबी आपकी केस लेता है, और बिकॉज आप ऑलरेडी एलोपैथी भी ले रहे हैं, कोई आयुर्वेदी ले रहे हैं, कोई चूर्ण चालू है, आप योगा भी कर रहे हैं, और अब आप होम्योपैथ के पास आए तो होम्योपैथ बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई कौन सी दवा इसके लिए सिलेक्ट की जाए। तो हमारे पास होम्योपैथी में दो टाइप की दवाएं रहती है, एक तो जो इंसान है जिसको बीमारी है, डायबिटीज है फॉर एग्जाम्पल, और एक है बीमारी इटसेल्फ, मतलब डायबिटीज के ये जो लक्षण है। तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग टाइप की दवा दे सकते हैं। तो यदि उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल केस अगर देना है, मतलब इंसान जिसको डायबिटीज है, इंसान जिसका किडनी फेलियर हुआ है, उसके लिए अगर देना है, तो उसको पूरा स्वभाव कैसा है आपको, आपको क्या अच्छा मीठा अच्छा लगता है, खारा अच्छा लगता है, आपको गर्मी अच्छी लगती है कि ठंडी अच्छी लगती है, आपको सपने कौन से टाइप के आते हैं, आपके विचार कैसे हैं, आपको गुस्सा कितनी जल्दी आता है, आप कंट्रोल कर सकते हैं गुस्से को, नहीं कर सकते हैं, आपको कोई विशिष्ट प्रकार के डर है क्या, ये सब पूछ के एक दवा पे निकल सकता है। लेकिन इतना पूछने के बाद भी यदि होम्योपैथ कोशिश करता है और उसकी दवा नहीं निकलती है, तो हम लोग सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, मतलब के फॉर एग्जांपल यदि मेरी फैमिली के अंदर सभी मेरे माता पिता को, दादा दादी को या नाना नानी की तरफ से TB की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है, और आज मैं एक डॉक्टर के पास गया हूँ मेरे ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के लिए, और उसे पूरी कोशिश करने के बाद भी मेरा एक दवा नहीं निकाल सक पाया, तो वो क्या करेगा, वो मेरी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, क्योंकि इनके फैमिली में TB बहुत ज़्यादा है, तो ट्यूबरक्लिनम का सिंगल डोज दे देगा 200 पावर का, और बोलेगा कि वेट एंड वॉच, एक महीना, 2 महीना 3 महीने जाने देंगे, और उसके बाद वापस वो पूरी हिस्ट्री लेगा। तो ये दवा जो है, इसको हम बोलते हैं नोसोर्ट एज अ स्टार्टिंग ऑफ एनी केस, और उसको बोलता है कि केस खुल जाता है, मतलब अब मैं 3 महीने बाद यदि वो डॉक्टर के पास जाऊंगा, वापस केस लूंगा, तो पहले पहले फॉर एग्जांपल मैं शुगर के लिए ABCD दवा दे रहा था, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होता था, कभी ऊपर कभी ज्यादा, मैं उसको होम्योपैथी के हिसाब से हिस्ट्री नहीं दे सकता था। उन्होंने पूछा आपको क्या पसंद है, सर मीठा भी पसंद है, खारा भी पसंद है, मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, नहीं आता है, हर चीज आता है नहीं आता है, ऐसा नहीं होता कि, तो ऐसे कंडीशन के अंदर वो सिलेक्ट नहीं कर सकता दवा। अब 3 महीने के बाद नोसोर्ट लेने के बाद मैं जाऊंगा, डॉक्टर साहब मुझे गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो ये उसके लिए एक गाइडिंग सिम्टम हुआ कि भाई ये बंदा गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठंडी कितनी भी बर्दाश्त कर सकता है। अब वो ऐसी दवा सिलेक्ट कर सकता है जिसके अंदर गर्मी बर्दाश्त न करने की क्षमता हो। तो ये होता है नोसोर्ट देने का प्रावधान होम्योपैथी में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो सिम्टम तो बहुत सारे देते हैं, डॉक्टर साहब मेरे को 11 साल से माइग्रेन है, तो सब कब होता है माइग्रेन, कभी होता है गर्मी में जाता हूं यानी धूप में गया माइग्रेन हुआ, कभी नहीं होता, और मेरे को सफेद चट्टे भी आ गए, ना उसमें खुजली है कुछ नहीं, कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, तो ये सिम्टम्स काफी सारे हैं, लेकिन उसका कोई मोडेलिटी नहीं है, कब बढ़ते कब कम होते हैं, किस चीज से आए कब आए, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अब हम इसको बोलते हैं वन साइडेड डिजीजेस, ऐसे कंडीशन के अंदर भी अगर नोसोर्ट दे दिया, सिंगल डोज देना पड़ता है, तो पेशेंट सेटल हो जाता है, और 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद वापस हिस्ट्री लो, तब कहीं जाके आप एक सही मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं वो बीमारी के लिए या वो पेशेंट के लिए। हमारे पास एक पेशेंट थी, तो 14 साल का एक लड़का था, सॉरी, और उसको सफेद चट्टे चालू हो गए पेट पे। अब वो आया हमारे पास और
पहले राइट साइड चालू हुए, फिर लेफ्ट साइड चालू हुए पेट में, फिर धीरे धीरे हाथों पे बढ़ने लग गए, और साथ में उसके जो ये मस्तिष्क था ये पैदाइश से काफी बड़ा था। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी दवा उसको दिया जाए, तो उसके फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से उसका हमने फैमिली हिस्ट्री पूछी। उसकी माँ को 3-4 अबॉर्शंस हो चुके थे ये इसके पैदा होने से पहले, तो इस हमारे मायाजम के हिसाब से कंसेप्ट रहता है होम्योपैथी मायाजम, दूषित फोर्स बोलते उसको, जिसके वजह से बीमारियां होती हैं। तो इनके खानदान के अंदर ये मायाजमेटिक फोर्स चालू था जिसको डिस्ट्रक्टिव मायाजम बोलते हैं, और इसीलिए हमने इसको सिफिलिनम सिलेक्ट किया, सिफिलिनम का सिंगल डोज दिया, और धीरे 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 उसी से ही उसके चट्टे कम हो गए। तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट है नोसोर्स की जानकारी के लिए। कभी कभी इस पेशेंट को बोलता है कि डॉक्टर साहब जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूं, फिर डिलीवरी हुई, डिलीवरी तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी, बस जिस दिन डिलीवरी हुई उसके हफ्ते भर बाद से मुझे कमर में दर्द आ गया या मुझे सिर दर्द चालू हो गया। आज 11 साल हो गए हमको लेकिन वो सिर दर्द जाता ही नहीं या कमर का दर्द जा ही नहीं रहा। आपने अनेक दवाइयां दी कमर के दर्द के, फॉर एग्जाम्पल ब्रायनिया चालू कर सकते हैं या काली काप चालू कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, लेकिन वो काम नहीं करे, थोड़ा रिलीफ मिलता है लेकिन जाता नहीं है, जड़ से नहीं जा रहा। ऐसे कंडीशन के अंदर हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स फ्रॉम प्रेगनेंसी या एलिमेंट्स आफ्टर डिलीवरी। अगर ऐसे अगर हम इस पे अगर अपने एक नोसोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक पर्टिकुलर घटना घटी थी डॉक्टर साहब, मेरे दादी जी का के चल बसे थे और मैं दादी से बहुत क्लोजली अटैच था, बस जब से वो गए हैं तब से मुझे वो पेट में दर्द चालू हो गया, पता नहीं बहुत सारे एक्सरे कराया, सीटी स्कैन कराया, एंडोस्कोपी भी कराई, लेकिन पता नहीं कि पेट में दर्द क्यों होता है, बट वो इवेंट है, वो दिल में बस गया, वो जा ही नहीं रही दिमाग से बात। ऑफकोर्स होम्योपैथी में है नेट्रोमोड, इग्निशिया, ऐसी दवा है एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, लेकिन इसके बेसिस पे भी एक नोसोर्स सिलेक्ट कर दिया जाए तो परमानेंटली ना कि वो दर्द जाएगा, लेकिन जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो दर्द की वजह से, मतलब वो जो घटना घट गई थी उसके वजह से ये भी चले जा सकते हैं। दोस्तों अनेक सारे रीजंस है नोसोर्स देने के लिए। इमरजेंसीज के अंदर शॉक में है पेशेंट, वेंटिलेटर पे पेशेंट है, तो कुछ नोसोर्स दे सकते हैं जिससे पेशेंट वापस आ सकता है। डायलिसिस पे पेशेंट है, हम लोग डायलिसिस पे जब बात करेंगे होम्योपैथी का डायलिसिस, तो आपको समझेगा कि किस तरह से हम लोग पेशेंट को डायलिसिस कम कर सकते हैं, क्रिएटिनिन नॉर्मल कर सकते हैं, उसी तरह से हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के अंदर, उसके वापस लिवर फेलियर के अंदर, तो नोसोर्स की ऐसे ऑर्गन फेलियर के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों इसके बारे में आपको कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आदिल होम सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और स्पॉटिफाई पे भी मैं हूँ, तो ये लेक्चर्स स्पॉटिफाई भी आप आराम से सुन सकते हैं। मुंबई आता हूँ फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन 7620592847, और बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, वहां भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9307965618। अमेजॉन पे भी हमारी किताबें अवेलेबल है, वहां जाके भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।